हेलो फ्रेंड्स, कल हम लोगों ने इस क्वेश्चन को देखा था। ठीक है, ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू 1 बाय एस प्लस 1 इनटू एस प्लस 2। ठीक है, कल हम लोग यहां तक पहुंच गए थे। इसका मैग्नीट्यूड इक्वेशन और फेज इक्वेशन के थ्रू हमने यह टेबल क्रिएट कर लिया था। क्लियर है? ठीक है, कल ये सबको समझ आ गया होगा कि ये मतलब हमने ये टेबल कैसे क्रिएट किया है। ठीक है, चलो आज इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं आगे। ठीक है, आज एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा लेंगे। ठीक है, आज मतलब अब तक हम लोग जनरली जीरो ऑर्डर सिस्टम का ही एग्जांपल लिए, दो एग्जांपल्स लिए हमने। ठीक है, दोनों ही जीरो ऑर्डर का था। आज एक फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का हम लोग ट्रांसफर फंक्शन लेके उसका प्लॉटिंग करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे कि हम लोग इसका प्लॉटिंग करते कैसे हैं। ठीक है, तो अब देखो एक बात बताओ, यहाँ पे जब ओमेगा इज इक्वल्स टू आपका जीरो है। ठीक है, एक सेकंड समझ आ रहा होगा। हाँ, जब ओमेगा इज इक्वल्स टू जीरो है तो मैग्नीट्यूड कितना है हमारा, 1/2। क्लियर है? 1/2 यानी कि 0.5। तो अब देखो इस लाइन पे 0.5 कहाँ रहा होगा, यहाँ पे ये मान लेते हैं 1 है। ठीक है, तो इसका हाफ कहाँ, ये 0.5। क्लियर है सबको? ठीक है, अब जैसे ये 0.5, तो इस 0. जब मैग्नीट्यूड आपका 0.5 है तो ओमेगा का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 0 है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो नेक्स्ट, अगर हम ओमेगा इज इक्वल टू 1 लेते हैं तो मैग्नीट्यूड इक्वेशन कितना हो जाएगा। तो देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे 10 रूट 10 का वैल्यू कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली 3.16। ठीक है, इसको हमने अप्रोक्सीमेट करके ले लिया 3। ठीक है, आपको इच्छा है तो आप ले लो 3.16, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं आएगा। अब अल्टीमेटली हमारा क्या था, 1/√10 था ना, तो कहने का मतलब 1/3। ठीक है, यानी कि 0.3। ठीक है, तो 0.5 यहाँ है तो 0.3 कुछ इस डायरेक्शन में ही होगा ना। ठीक है, क्योंकि अगर इधर जाएंगे तो बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो इधर जाएंगे तो अल्टीमेटली कहाँ पर जाएगा, 0.3। ठीक है, अब जैसे जैसे इस डायरेक्शन में मूव करोगे तो आपका मैग्नीट्यूड इस डायरेक्शन में मूव करना है, इस डायरेक्शन में, तो आपका ये जो मैग्नीट्यूड है वो तो घटेगा ही ना। और ये देखो घट ही रहा है, मैक्सिमम कहाँ पे था, 1/2 पे। और जब इन्फिनिटी हमने पुट किया ओमेगा का वैल्यू तो ये कहाँ पे चला गया, 0 डिग्री, यानी कि यहाँ पे। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है किसी को? अब आगे देखते हैं। ठीक है, ये तो हो गया मैग्नीट्यूड का बात, अब आते हैं फेज का। फेज देखो कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 0 से स्टार्ट हुआ है और कहाँ पे एंड हुआ है, -180 डिग्री। तो बात ये है कि क्या ये इस लाइन को क्रॉस करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि देखो 0 से 180 डिग्री जाओगे वो भी माइनस में, तो नीचे से ही जाओगे ना, तो उस दरमियान तो ये लाइन पड़ ही जाएगा बीच में, तो यानी कि 90 डिग्री वाले लाइन को ये क्या करेगा, कट करेगा। क्लियर है? ठीक है, कट करेगा। अच्छा, अब एक बात बताओ, क्या ये इस लाइन को क्रॉस करेगा, नहीं, क्यों नहीं करेगा। तो देखो हमारा मैक्सिमम वैल्यू कितना है, -180 डिग्री, और अगर मैं इस लाइन को कट करवा दूंगा तो ये देखो यहां पे 180 डिग्री है, अगर मैं यहां भी वैल्यू ले लेता हूं तो ये तो 180 डिग्री से ज्यादा ही हो जाएगा ना, जबकि इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 180 डिग्री। तो उसका लास्ट पॉइंट कहां पे होगा, ये लाइन से वो नीचे नीचे ही रहेगा, क्योंकि इस लाइन से अगर जैसे ही हमने ऊपर क्रॉस करवा दिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कितना है, 180 डिग्री है, तो अगर इस लाइन से थोड़ा भी ऊपर चला जाएगा तो 180 डिग्री से तो मैक्सिमम हो जाएगा, मतलब ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए वो यही मतलब इस लाइन को क्रॉस नहीं करेगा। तो अल्टीमेटली हमारा जो फेज पोलर प्लॉट है उसमें फेज एंगल 0 से 180 डिग्री और मैग्नीट्यूड तुम्हारा कितना, मैक्सिमम 0.5 और मिनिमम 0 से। ठीक है, क्लियर है? तो अब देखो जैसे जैसे आप नीचे जाओगे, तो देखो अब मैंने 0 रखा था यहाँ पे, ठीक है, मतलब जब ओमेगा 0 रखा तो फेज एंगल 0 इस लाइन पे, यानी कि ये पॉइंट रहा होगा। ठीक है, अब देखो 1 रखा तो ये कहाँ पे चला गया, 71.5। तो अब देखो ये मान लो एंगल आपका 45 डिग्री, हल्की से लिख रहा हूं। ठीक है, तो जैसे जैसे आप नीचे जाओगे तो वैसे वैसे तो बढ़ेगा ना ये, तो 71.5 कुछ मान लेते हैं कि यहाँ पे। ठीक है, आप इस दरमियान आप लोग करना क्या, ओमेगा का बहुत सारा वैल्यू लेना, मतलब जैसे मैंने यहाँ तो 0 लिया 1 लिया, आप और ले लेना 0.1 0.2 0.3 0.4, ताकि स्मूथ, मतलब कुछ एक एग्जांपल को ऐसे करना, सारे एग्जांपल्स को नहीं करना है आप लोगों को, सो दैट कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए जस्ट। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि उसमें मतलब बहुत कुछ है। ठीक है, जस्ट आप ओमेगा का वैल्यू, जैसे मैंने 0 लिया और उसके बाद सीधा 1 ले लिया, आप इसके बीच में भी 2-3 वैल्यू और ले लेना, जैसे 0.2 ले ले सकते हो, 0.3 ले सकते हो, 0.4 0.5, ऐसे ऐसे करके 3-4 और वैल्यू, सो दैट कि आपको पता चल जाए कि मैंने ऐसा क्यों ड्रॉ किया।
ठीक है, घर पे आपके पास टाइम होता है आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो देखो प्लॉटिंग कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से, और ये थोड़ा सा स्ट्रिप जाएगा, मतलब क्या कहते हैं, एकदम सीधा सा लाइन जाएगा यहाँ से, ठीक है, और इस लाइन को क्रॉस करेगा, ये मैंने बता दिया है, ठीक है। तो क्रॉस किया अपना, ठीक है, और ये कहाँ तक चला जाएगा, जीरो तक, ठीक है। अब सबको डाउट हो रहा होगा कि सर ने ऐसा क्यों किया, तो ठीक है, तो तुम लोग को ज़्यादा दिक्कत नहीं है, सिंपल तुम लोग करना क्या, ओमेगा का वैल्यू लिख लेना बहुत सारा, मतलब जीरो से, मतलब मैंने तो तीन वैल्यू पर दिखा दिया क्योंकि मुझे पता है कि ये ऐसा ही ग्राफ आने वाला है, जीरो लिया है, वन लिया है, इन्फिनिटी लिया है। आप करना क्या कि मतलब कम से कम 10-12 वैल्यू ले लेना, ठीक है, बड़ा सा फिगर बनाना इसको, यहाँ पे भी 0.1 से 1 तक ले लेना, ठीक है, और इच्छा है और ले लेना, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और उसके बाद 5-6 वैल्यू पे देखोगे ना तो आपका जो प्लॉटिंग है वो ऐसा ही आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी कि ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है, जीरो से स्टार्ट हुआ है, और एंड कहाँ पे हुआ है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे ओमेगा का वैल्यू कितना है, जीरो, और यहाँ पे ओमेगा का वैल्यू कितना है, इन्फिनिटी, ठीक है, और मैग्नीट्यूड यहाँ पे कितना है, जीरो डिग्री। और जैसे जैसे आप बढ़ा रहे हो तो एंगल तो बढ़ ही रहा है ना, मतलब पहले जीरो था, फिर बढ़ के 90 डिग्री आया, फिर उसके बाद 180 डिग्री पे आया, ठीक है। तो ये जो है आपका पोलर प्लॉट है इस वाले इक्वेशन का, ठीक है, दिक्कत नहीं है ना किसी को, ठीक है, चलो ये आई होप सबको समझ आया होगा, ठीक है। अगर नहीं भी आया है तो इसी को रिवाइंड करके आप लोग देख लेना एक बार, ठीक है, आप लोगों को समझ आ जाएगा, ठीक है। अब चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं, और वो लेते हैं हम लोग एक फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का, ठीक है, अब तक मतलब, और मैंने जो दिया है आगे का कोशिश करना कि आप लोग सॉल्व करो, ठीक है, मैंने 8-10 क्वेश्चंस दिए हैं, ठीक है, कोशिश करो उसको सॉल्व करने का। आज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ फर्स्ट ऑर्डर का, और उसके बाद एक तुम लोग का जो एग्जाम में पिछले प्रीवियस ईयर पेपर में आया है उसको सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो चलो एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, वेट अ सेकंड, चलो सबसे सिंपल सा लेते हैं एग्जांपल, ठीक है, चलो ये आपका दूसरा क्वेश्चन, मान लिया कि ट्रांसफर फंक्शन हमारा जो है 1/s (s+1), ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है क्योंकि वी हैव अ पोल एट s = 0, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ पे, ये तो एग्जांपल ही है, तो इसमें क्या दिक्कत आने वाला है, ठीक है। तो स्टेप वन हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला काम क्या करते हैं स्टेप वन में, ये सबको पता है, स्टेप वन में s = हम लोग क्या पुट करेंगे, जी ओमेगा, ठीक है। तो यानी कि ट्रांसफर फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, 1/j ओमेगा j ओमेगा + 1, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे आते हैं स्टेप टू में, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं स्टेप टू में, इसका मैग्नीट्यूड इक्वेशन निकालते हैं। मैग्नीट्यूड इक्वेशन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, m = देखो, अब देखो पहले इसी में देखो, थोड़ा सा ऊपर में यहाँ पे ओनली रियल पार्ट है, ठीक है, तो इसको इमेजिनरी बनाने के लिए हम लोग ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, और नीचे में हमारा यहाँ पे ओनली इमेजिनरी पार्ट है, तो इसको रियल पार्ट देने के लिए क्या करेंगे ऐसे। अब मैग्नीट्यूड हमें निकालना है, m स्टैंड फॉर मैग्नीट्यूड, ये मैंने प्रीवियस क्लासेस में बता रखा है आप लोगों को। तो ये कितना हो जाएगा, 1² + 0² डिवाइडेड बाई √0² + ω², ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, ω² + 1, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये सारा कुछ बता रखा है कि कैसे निकलता है, क्या होता है, ठीक है। अब आगे आते हैं अगले स्टेप में, तो ये कितना हो जाएगा, 1 √ अब 0² कितना हो जाएगा, 0 + ω² यानी कि ω² और उसका अंडर रूट यानी कि ओमेगा, कैसे लिखा समझ आया ना, 0² + ω² 0² का वैल्यू 0 + ω² तो ये अल्टीमेटली कितना हो जाएगा, ω² और इसका रूट कितना हो जाएगा, ओमेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
अब आगे आते हैं, यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस वन, तो ये आपका क्या हो गया, मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, स्टेप नेक्स्ट स्टेप होता है आपका थ्री। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, फेज इक्वेशन निकालते हैं। तो फेज इक्वेशन के लिए हम लोग किसका किसका हेल्प लेते हैं, इसी का, इक्वेशन नंबर वन का। तो देखो, अब ये मैंने बता रखा है, अब मैं रिपीट नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, तो टेन इनवर्स ऑफ कितना हो जाएगा, इमेजिनरी डिवाइडेड बाय रियल, तो कितना हो जाएगा, जीरो बाय वन। अब आगे आते हैं, फिर माइनस टेन इनवर्स ऑफ इमेजिनरी ओमेगा डिवाइडेड बाय रियल। ठीक है, फिर प्लस टेन इनवर्स ऑफ ओमेगा डिवाइडेड बाय। ठीक है, ये कैसे आ रहा है, ये मैंने प्रीवियस वीडियोस में बता रखे हैं आप लोगों को। ठीक है, अब टेन इनवर्स ऑफ जीरो कितना होता है, जीरो डिग्री, माइनस टेन इनवर्स ऑफ ओमेगा बाय जीरो कितना, माइनस 90 डिग्री। क्लियर है, क्योंकि ओमेगा बाय जीरो कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी, और टेन इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी कितना होता है, 90 डिग्री, सॉरी माइनस नहीं होगा, प्लस ही होगा। ठीक है, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स ऑफ ओमेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको फर्दर आगे सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, माइनस 90 माइनस टेन इनवर्स ऑफ ओमेगा। क्लियर है, ये आपका क्या हो जाएगा, फेज इक्वेशन। ठीक है, मैग्नीट्यूड इक्वेशन ये था, इक्वेशन नंबर टू और इक्वेशन नंबर थ्री। अब इक्वेशन नंबर टू और थ्री के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, अब तक इजी लग रहा होगा आप लोगों को, बनता कैसे है, बहुत इजी है। ठीक है, स्टेप फोर में हम लोग क्या करते हैं, टेबल क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो मैग्नेट ओमेगा एम और ये हो गया आपका फाई। ठीक है, ओमेगा का वैल्यू जब हम जीरो रखेंगे, ठीक है, ओमेगा का वैल्यू अगर हम यहां पे जीरो रख रहे हैं तो वन बाय जीरो इंटू जीरो स्क्वायर प्लस वन कितना हो जाएगा, यहाँ पे वन जीरो, यानी कि कितना, इन्फिनिटी, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्लियर है। अच्छा, अब फिर ओमेगा इज इक्वल टू जीरो यहाँ पे रखोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 90। ठीक है, और आप वैल्यूज रखोगे, ठीक है, मतलब फर्दर आप लोग वैल्यूज रखना। ठीक है, मतलब जैसे अगर इच्छा है तो एक रख के देख लो, वन अगर अगर आप इस इक्वेशन में ओमेगा इज इक्वल टू वन रखोगे तो क्या होगा आपका, वन बाई ओमेगा अंडर रूट ऑफ वन स्क्वायर प्लस वन, यानी कि वन बाई रूट टू, वन बाई रूट टू यानी कि 0.707 के आसपास आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर देखो, अब जब फिर से वन रखोगे इस वाले इक्वेशन में तो माइनस 90 माइनस 10 इनवर्स कितना हो जाएगा, माइनस 135। ठीक है, ऐसे ही और आप वैल्यूज रख लेना, रख के चेक कर लेना कि क्या आता है। ठीक है, मैं अब एक फाइनल वैल्यू ले रहा हूँ, इन्फिनिटी। ठीक है, जब यहाँ पे इन्फिनिटी रखोगे तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा आपका, जीरो। ठीक है, और जब यहाँ पे इन्फिनिटी रखोगे तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा आपका, 270। सॉरी माइनस 180 डिग्री हो जाएगा ना, माइनस 90 है यहाँ पे और माइनस 10 इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी रखोगे तो 10 इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी का वैल्यू कितना होता है, 10 इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी का वैल्यू होता है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री कितना हो जाएगा, माइनस 180 डिग्री। क्लियर है, तो हमारा टेबल भी क्रिएट हो गया, हमने मैग्नीट्यूड इक्वेशन भी निकाल लिया और फेज इक्वेशन भी निकाल लिया। ठीक है, अब इसी के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे आगे, ठीक है, आगे पोलर प्लॉट का प्लॉटिंग करेंगे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जीरो डिग्री, यहाँ पे क्या होता है, 90 डिग्री माइनस का, यहाँ पे माइनस 40 डिग्री और यहाँ पे माइनस 270 डिग्री। अब देखो, जब ओमेगा इज इक्वल्स टू जीरो है तो फेज एंगल कितना है, माइनस 90 डिग्री, यानी कि यहाँ पे। ठीक, अच्छा, और मैग्नीट्यूड कितना है, इन्फिनिटी, यानी कि कहीं बहुत दूर। ठीक है, मतलब इस लाइन पे, मतलब इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी का तो मतलब इधर से ही कहीं स्टार्ट होगा ना। ठीक है, अच्छा, अब जब ओमेगा इज इक्वल टू इन्फिनिटी है तो ये क्या है, वैल्यू जीरो।
ठीक है, और फेज एंगल क्या है, माइनस 180 डिग्री। तो माइनस 180 डिग्री वाला लाइन कौन सा है, ये वाला लाइन है। ठीक है, अब इस लाइन को क्रॉस करेगा तो ऑब्वियस बात है नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि मैक्सिमम ही कहां गया है ये, माइनस 180 डिग्री। ठीक है, अब इसके आगे मान लो कि मैंने इस लाइन को क्रॉस करवा दिया, ठीक है, यहां से प्लॉटिंग कर दी इसकी, तो यहां पे 180 डिग्री है, तो जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ बढ़ोगे तो ये तो बढ़ता ही जाएगा ना, बढ़ के ऐसे ऐसे बढ़ के ये 270 पे, ठीक है, तो मतलब इसी लाइन पे रहेगा, थोड़ा सा भी ऊपर नीचे नहीं, बस वो इसी लाइन पे ही रहेगा। ठीक है, तो जब इन्फिनिटी रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड 0, एंगल 180 डिग्री। ठीक है, तो ये कहां से स्टार्ट होगा, यहां से स्टार्ट होगा, ठीक है, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे, ये आपका प्लॉटिंग। अब आप लोग को डाउट हो रहा होगा कि कभी मैं ऐसे ऊपर की तरफ उठा देता हूँ, पिछले ग्राफ में जैसे पीछे वाला ग्राफ अगर मैं दिखाऊं आप लोगों को, एक सेकंड, पीछे वाला ग्राफ अगर देखोगे तो यहाँ पे मैंने ऐसे कर दिया है। ठीक है, तो ये कैसे किया, तो इसके लिए ज्यादा कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मतलब ऐसे मैं कैसे बना रहा हूँ। ठीक है, सिंपली आप लोगों को ये काम करना है कि आप ओमेगा का वैल्यू पुट करो। ठीक है, जो मैं यहाँ पे मैंने वैल्यूज कितने लिए हैं, ओनली 3। ठीक है, आप 6-7 लेकर देखो, आपको खुद आइडिया लग जाएगा, मतलब जैसे 0 है ओनली, 1 है, ठीक है, तो आप 0.1 लेके देखो, 2 लेके देखो, बीच में 1.5 लेके देखो। ठीक है, और कैलकुलेटर तो आप लोग के पास है ही, आप लोग को क्लियर पता चल जाएगा कि ये ऐसे क्यों आया है और पीछे वाले में उस डायरेक्शन में ही क्यों आया है। ठीक है, ये इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्लॉटिंग। तो यहाँ पे आप लोगों का क्या वैल्यू होता है, जब यहाँ पे रहता है तो ये ओमेगा इज इक्वल टू 0 रहता है, और मैग्नीट्यूड आपका कितना होता है, इन्फिनिटी। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू इन्फिनिटी रहेगा तब मैग्नीट्यूड 0। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, आई थिंक आज के क्लास में आप लोगों को सारा कुछ समझ आया होगा। अब आप लोग सारा क्वेश्चन करते रहना, कल एक क्लास और होगा इसका, पोलर प्लॉट का। ठीक है, मैंने क्वेश्चन जो दिए 7-8, कल वाले क्लास में मैं आप लोग का प्रीवियस ईयर पेपर में एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, आप लोग खुद से भी ट्राई करना, शायद सौम्या ने भेजा था मेरे पास प्रीवियस ईयर पेपर, अगर मैं सही हूँ तो वो इक्वेशन कुछ ऐसा था, 4 by s into s + 1 और 1 + 2s। ठीक है, ये इस क्वेश्चन को करके देखना। ठीक है, मैं हिंट दे देता हूँ थोड़ा सा, देखो अब तक ना जितने भी प्लॉटिंग हमने किए हैं, ठीक है, उसमें देखो s का कोफिशियंट कितना है, 1 दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, s का कोफिशियंट है आप लोग का 1 हमेशा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 है, तो करोगे क्या, इस 2 को बाहर निकाल लोगे। ठीक है, और यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, तो कोशिश करना है इसको प्लॉट करने का। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।